हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जो आज का अपना अर्थमेटिक सेक्शन का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि एक जो दुकानदार है वो अपने वस्तुओं को 44% लॉस पे बेचने का वादा करता है, लेकिन 30% वेट कम यूज करता है, तो उसे में एक्चुअल में कितने परसेंट की हानि हो रही होगी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मैंने मान लिया कि कितने का रहा होगा, 100 का रहा होगा कोई चीज़, तो उसे वो कितने में बेचने का प्रॉमिस कर रहा है, 44% लॉस में बेचने का प्रॉमिस कर रहा है। तो कितने का वो बेच रहा होगा, 56 का बेच रहा होगा। ऐसा बोल रहा है कि 56 का बेच रहा है, जबकि 100 की जगह वो कितना दे रहा है, कितना वेट कितना दे रहा है, वो 70 ग्राम ही यूज़ कर रहा है। मीन्स 70 की चीज़ को कितने में बेच रहा है, 56 में बेच रहा है। तो कितने कम में बेच रहा है, ये 14 कम में बेच रहा है। तो लॉस परसेंट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, लॉस परसेंट बराबर में कितना हो जाएगा, वो 70 की चीज़ को कितने में बेच रहा है, 56 में बेच रहा है। कितने की हानि हो रही है, 14 यूनिट की हानि हो रही है, किस पे, 70 पे। तो लॉस परसेंट कितना हो जाएगा, 14/70 इंटू में कितना, 100। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 × 14, 14 × 5 = 70। और ये कितना हो जाएगा, 5 × 5, 5 × 2 = 10, 20% के बराबर। वो प्रॉमिस तो कर रहा था कि 44% के लॉस पर बेच रहा है, बट उसे एक्चुअल में लॉस जो हो रहा होगा वो 20% के बराबर हो रहा होगा। चलिए दोस्तों, आज का जो अपना एडवांस सेक्शन का क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन ये है कि एक डायग्राम दे रखा है, सर्किल बन रखा है, सर्किल के अंदर एक ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल ए बी ओ। ए बी जो साइड है वो डायमीटर भी है सर्किल की, जिसका सेंटर क्या है, ओ है। एक स्पर्श रेखा है पॉइंट सी से होकर पी क्यू गुजर रही है। एंगल ए बी सी 60 डिग्री के बराबर दे रखा है, तो आपसे पूछा है कि एंगल बी सी क्यू कितना होगा, एंगल बी सी क्यू की वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रखा है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये अगर डायमीटर ए बी डायमीटर है, ये सर्किल के अंदर ए बी अगर डायमीटर है, तो डायमीटर द्वारा वृत्त की परिधि पर बनाया गया एंगल 90 डिग्री का होता है। मीन्स ये जो एंगल होगा, एंगल ए सी बी की जो वैल्यू होगी कितने डिग्री के बराबर हो जाएगी, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगी। क्वेश्चन में पहले ही दे रखा था, क्या दे रखा था, कि एंगल ए बी सी की वैल्यू 60 डिग्री के बराबर दे रखी थी। तो ये 90 है, ये 60 है, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 30 डिग्री के बराबर हो जाएगी। 30 डिग्री ऐसा क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, जिसमें से दो एंगल, एक एंगल 90 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री, तो तीसरा कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। मीन्स ये एंगल 30 डिग्री का हो गया। अगर अपन बात करें, इस एंगल की बात करें और इस एंगल की बात करें, तो स्पर्श रेखा और इस लाइन के द्वारा एक अंतरखंड में बना हुआ कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। मीन्स ये एंगल और ये एंगल एक अंतरखंड में बने एंगल होंगे स्पर्श रेखा पी क्यू के द्वारा। तो ये जितने का एंगल होगा, ये एंगल जितने का होगा, उतने का ये भी एंगल होगा। मीन्स इस एंगल की वैल्यू 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा।